दोस्तों पार्ट टाइम मनी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए पार्ट टाइम मनी को और बेल आइकन को प्रेस करिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पार्ट टाइम मनी में। फ्रेंड्स, आज मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, नॉर्मली इंडिया में बिटकॉइन को लेकर नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आ रही है आजकल, लेकिन एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया में कोई कंपनी बिटकॉइन को ना समझ पाई हो लेकिन वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। फ्रेंड्स, अभी इंडिया में एक सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने ब्लॉकचेन के थ्रू अपनी कुछ पेमेंट रिसीव करी है और जो कि HSBC बैंक ने कन्फर्म किया है। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया के प्रोस्पेक्ट में काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया में लोग बाग एटलीस्ट बिटकॉइन को नहीं समझ पाए लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो सकता है बिटकॉइन का फ्यूचर भी इंडिया में कुछ आपको अच्छा दिखाई दे ब्लॉकचेन की वजह से ही। अगर लोग बाग ब्लॉकचेन को समझेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बिटकॉइन को भी समझ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स, HSBC ने अभी रिलायंस के साथ एक पूरी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करी है और वो जो कि वो ब्लॉकचेन की सहायता से हुई है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, रिलायंस ने जो US का क्लाइंट है ट्राइकोन एनर्जी, उनको कुछ माल एक्सपोर्ट किया था और उसके बदले में जो उनको पेमेंट रिसीव हुई है वो उनको ब्लॉकचेन के थ्रू रिसीव हुई है, जिसमें काफ़ी कम टाइम लगा है और काफ़ी पेपर वर्क भी बचा है। फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन विदाउट ब्लॉकचेन करते हैं तो उसमें काफ़ी पेपर वर्क लगता है और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई भी एक्सपोर्ट करने में डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उसमें 7 to 10 days लगते हैं, लेकिन इसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन और जो कुछ भी हुआ है वो ब्लॉकचेन के थ्रू हुआ है, तो जिसके थ्रू एक दिन से भी कम का टाइम लगा है और ये ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, इसको HSBC ने कन्फर्म भी किया है। फ्रेंड्स, और एक बहुत अच्छी बात है कि न्यूज़ चैनल भी इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और न्यूज़ की एक क्लिप मैं अभी चला दूंगा इसके बाद, तो आप उसको भी देखिएगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया में लोग बाग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं उस क्लिप को देख लीजिए, ये न्यूज़ में भी आई है। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। The international lender HSBC has executed India's first financial transaction using blockchain for a deal involving an export by Reliance Industries to an American client. Now, the blockchain-enabled letter of credit transaction was for a shipment from Mukesh Ambani-led company to US-based Tricon Energy. The blockchain platform was integrated with the electronic bill of lading platform to issue and manage an electronic bill of lading. This allows a digital transfer of the title of goods from the seller to the buyer in the underlying trade. Analysts say this could ease the business for any organization involved in buying and selling goods internationally. They say it brings together all parties onto one platform.